सागर में दलित युवक की हत्याकांड से जुड़ा मामला अब मध्य प्रदेश की सियासत में गर्मा गया है। यूं कहूं कि मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य तक पर अब इस मामले को लेकर जो दल हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। बात कमलनाथ की हो, मायावती की हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, मध्य प्रदेश में ये मुद्दा जो है अब सियासी तौर पर काफी गर्मा गया। सीधे सरकार पर सवाल उठा रही है कांग्रेस हो या बीएसपी हो। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में जो लिखते हैं उससे सीधा उनका जो निशाना है वो सरकार पर है। पीएम से लेकर सीएम तक वो सब पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले जो ट्वीट किया था वो कमलनाथ ने किया था। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा था सागर को लेकर, सागर जिले के खुरई ग्राम बड़ौदिया नौनागिर में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, उसकी मां को भी पीटा गया। मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और कांग्रेस का एक दल जाकर पीड़ित परिवार से मिला। पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार अत्यंत अवांछित रहा। शिवराज सरकार में खासकर सागर जो है वो दलित उत्पीड़न की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री को आगाह करता हूं कि ये दुराग्रह छोड़ न्याय के रास्ते पर चले और सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, उचित समुचित मुआवजा मिले पीड़ित के परिवार को। ये कमलनाथ ने ट्वीट किया। इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये मामला इतना गर्मा रहा है कि जो मायावती हैं बीएसपी सुप्रीमो, उन्होंने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था। मायावती ने भी लिखा था कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे, संत रविदास जी का स्मारक करने की नींव बड़े तामझाम से रखी गई, वहीं क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा और उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। ये मायावती का ट्वीट हो गया। तो कमलनाथ से लेकर मायावती तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हुआ क्या था आपको बता दूं, बीते 24 अगस्त की रात को सागर के खोरई क्षेत्र के बड़ौदिया गांव में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और ये भी बात सामने आई थी कि उसकी मां को भी बुरी तरह पीटा गया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की इस मामले में, लेकिन अब कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में दिग्विजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे और एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले कांग्रेस हो या बीएसपी को मिल गया है। आप देखते रहें एमपी तक।